वार्ड नंबर 11 के पार्षद पद के लिए चुनावों में उतरे राजीव कुमार ने बताया कि डोर टू डोर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। राजीव कुमार ने कहा कि इस बार जनता भी यही चाहती है कि युवा पीढ़ी इस बार आगे आए। उन्होंने कहा कि लोगों की जो भी गलियां, रास्तों और सीवरेज की कोई भी समस्या होगी उसको पूरी तरह हल किया जाएगा। मेरा नाम राजीव कुमार है। वार्ड नंबर 11 से मैं पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरा जो निशान है वो सिलाई मशीन है। नंबर 3 का जो मेरा न्यूमेरिकल उसमें मिला है, मेरे को पोजीशन मिली है, नंबर 3 की मिली है। मैं जितने भी लोगों से मिल चुका हूँ अभी तक, उनका काफ़ी अच्छा रुझान है मेरी तरफ को और बोल रहे हैं कि हम इस बार, मतलब लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आए और नई सोच के साथ हम लोग भी आगे बढ़ें। हाँ, काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की, कहीं कई जगह रास्तों की समस्या है, कई जगह नालियों की समस्या चली हुई हैं, सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है वार्ड नंबर 11 में। और हर बंदा, हर जितने भी उम्मीदवार हैं, हर कोई उसी को ही हाईलाइट कर रहा है। युवाओं की बहुत समस्याएं हैं, बेरोजगारी बहुत है युवाओं में, और क्या बोलते हैं, उनके लिए कुछ कहीं एक साइड, मतलब उनको मोटिवेट किया जाए किसी एक साइड के लिए, वो भी मेरा मेन मोटिव रहेगा कि युवाओं को कहीं एक साइड एक रास्ता दिखाया जाए उनको, जहाँ पर वो अपनी युवा शक्ति जो है वो पूरी यूज़ कर सकें। जरूर तहे दिल से हल करेंगे उनका हम लोग, और उनकी उम्मीदों पर मैं 100% खरा उतरूंगा और उतनी कोशिश करूंगा। अगर वो मेरे को भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो मैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हल की जाएंगी, हल नहीं की जाएंगी, पूरी तरह से हल की जाएंगी वो समस्याएं।